सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है 26 जून और अभी मैं बहुत टाइम बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ, लगभग एक डेढ़ साल बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मतलब वीडियोस बना रहा हूँ अभी। तो अभी मतलब रिसेंटली मेरे चैनल पे एक वीडियो पे थोड़े व्यूज ज़्यादा है, तो उससे सब्सक्राइबर भी बढ़ गए थोड़े 100-150। तो अभी बता दूँ कौन सी वीडियो वो, तो वो वीडियो है बिग मसल वे प्रोटीन। इस पर लगभग 4,500 व्यूज है और अभी मेरे चैनल पे करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 527 सब्सक्राइबर, आप देख सकते हो 527। तो एक मंथ के अंदर लगभग 150 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, तो इसलिए मोटिवेट होकर थोड़ा बहुत वीडियो बना रहा हूँ। तो देखते हैं आगे जो रिस्पॉन्स आएगा, फिर आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो अभी ये वीडियो में मेनली मैं बस अपनी कैट को दिखा रहा हूँ और उसके जो सामान है मेरे पास और जो अभी बाकी आए हैं, स्क्रैच पैड, बैग उसका, ट्रैवलिंग का, तो बाकी सब पूरा दिखाता हूँ। अभी पहले कैट दिखाता हूँ अपनी। सो गाइस, मैं अपनी कैट को लेके आ चुका हूँ और ये बहुत भारी हो गया है। ये जब हम लोग लाए थे तो 1.5 महीने का था, 40-45 डेज का था, और तब ये 250-300 ग्राम का था, भी देख सकते हो। माशाल्लाह से अच्छा खासा हो गया बहुत, और ये बीच में बीमार भी बहुत ज़्यादा हो गया था इसका, मतलब एक बार हाथ भी टूट चुका ये वाला, मारेगा मेरे को इसका ये वाला हाथ। तो अभी तो ठीक है, मतलब दवाई ववाई कराए थे और इसको माइट्स की प्रॉब्लम भी हो गई थी, तो अभी तो सब ठीक है। मारेगा मेरे को तो ये गाई थी, हम लोग की बिल्ली बिल्ला है, मार रहा है मेरे को, लाफा मारेगा। तो अभी इसका बहुत सारा सामान आया, तो बाकी सामान भी दिखाता हूँ। तो गाइस ये कितना बड़ा लाया था हम लोग, ये वीडियो भी मैं जस्ट इसके बाद डाल देता हूँ, तो आप लोग देख लो बस। बाकी अब इसका हो गया, अब इसको छोड़ना पड़ेगा, जाओ। तो गाइस जैसा कि आपने अभी देखा कि इतना छोटा था, अभी इतना बड़ा हो चुका है, तो अभी इसके मैं सामान दिखा देता हूँ जो भी मैं रिसेंटली लेके आया। बाकी दो तो मतलब अनबॉक्स किए भी नहीं, अभी आज ही आए, ऑर्डर किए थे, तो अभी दिखाता हूँ सामान। तो गाइस ये सामान है, ये इसका है बैग और ये स्क्रैच पैड और ये लीश है, और ये दोनों लीश तो मतलब ऐसी नॉर्मल ओपन में आई थी, तो ख़रीद के लाई मैं DIY से। तो अभी ये सबके प्राइस भी बताता हूँ। ये जो लीश है ये पहले मैं गलती से ले आया था, ये डॉग्स की लीश है, तो ये 300 की ये थी और 350 की ये वाली है, तो अमेजोन से आई थी शायद। और ये स्क्रैच पैड है, ये 400 समथिंग का है, और ये बैग इसका 1600 का है, और ये नेल कटर तो 200 रुपये का है नॉर्मल। तो गाइस ये समवेयर अराउंड पूरा मिला जुला के 3000 का अभी अभी आया है, और पहले से इसके बहुत सारे हैं जो आ चुके हैं। इसका बेड आया 1000 रुपीज़ का, अभी बेड भी दिखाता हूँ, वो तो मतलब पहले आया था लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। तो अभी ये दोनों है, ये इसको अनबॉक्स करते हैं। ये तो पहले से थोड़ा खोल के देखे थे, अभी इसको पूरा अनबॉक्स करता हूँ फिर दिखाता हूँ, और ये बाकी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये इसका बेड है और ये मेरे साथ में बेड पर ही सोता है, लेकिन सोता नहीं है कभी भी, कभी वहाँ ज़मीन पर या कहीं भी पड़े रहता है हमेशा। गाइस अभी मैं थंबनेल ले रहा था और ये बिल्ला, ये मोई पूरा 15 मिनट लगा दिया मेरे को सिर्फ थंबनेल लेने के लिए, और नीचे उतरा अब मेरे पर अटैक कर रहा है। वीडियो वीडियो के चक्कर में इसने मेरे को ज़ख्मी कर दिया है, वो भी पूरे नाखून मार के। इसके नाखून में कट करता हूँ फिर भी ये मार देता है। एम आई बींग अटैक्ड? और अभी आप लोग ये देख लो कि लीश पहन के कैसा लगता है। तो नीचे की वीडियोस है मेरे पास, उसमें से एक आधा वीडियो मैं डाल देता हूँ अभी। तो गाइस मैं यहाँ खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ और ये नीचे से मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। क्या भाई, क्या है, क्या ये मोई? क्या हो बदतमीज, जाओ वीडियो बना दो मेरे को। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग, और ये आप देख सकते छुरी ले आया हमें, और ये तो वैसे पहले से खुला ही हुआ है लेकिन थोड़ी बहुत अनबॉक्सिंग और देते हैं, सब खोल देते हैं। तो ये है इसका स्क्रैच पैड, 400 समथिंग के अराउंड का ये भी है। तो ये
देख सकते हो आप। क्या हुआ तो गाइस, ये बस इसके नेल स्क्रैच करने के लिए, मतलब नाखून मारने के लिए, अपने नेल स्क्रैच करने के लिए ये आया इतना बड़ा। करोगे अभी? इसको यूज टू नहीं है लेकिन हो जाएगा। जाओ अब आगे वीडियो में। तो अब ये दूसरा बैग जो है गाइस, ये अनबॉक्स करते हैं और इसकी चीज़ अनबॉक्स हो रही है ना गाइस, तो इसको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है और कैट्स को ऐसे भी क्यूरियोसिटी बहुत रहती है। तो ये इसका बैग है, एस्ट्रोनॉट बबल पेट बैग दुराक से। तो ये है इसका बैग, तो ये हटा देता हूँ। ये है इसका बैग। अभी हम लोग नेक्स्ट मंथ ट्रिप पे जाने वाले हैं राजस्थान की, तो अभी फिक्स नहीं है वैसे, मतलब टिकट्स हम लोग की बुक है लेकिन अभी वहाँ पे मतलब बारिश बहुत ज़्यादा है तो मे भी कैंसिल भी हो सकती है। इसलिए ये हम लोग बैग मंगाए थे कि ये भी जाएगा तो उसमें मतलब ट्रैवलिंग में उसको दिक्कत ना है, इसलिए ये मंगाए थे। अभी दिखाता हूँ जस्ट अब भी क्या किया उसने। मैं वीडियो बना ही रहा हूँ और ये देखो अब भी बॉक्स नीचे रखा और सीधा। बैग में नहीं बैठना है लेकिन बॉक्स में ज़रूर जाना है। क्या है ये? तो अब आगे वीडियो बनाता हूँ मैं। सो गाइस ये बैग है, अभी इसको पूरा खोल के और इसमें इसको डाल के भी बताऊंगा मैं। तो अभी घायल होने के लिए रेडी हो चुका हूँ मैं, क्योंकि जितना इसको परेशान करो उतना ज़्यादा ये मारता है। तो ये पहले बैग एक बार चेक कर लूँगा सब बराबर है कि नहीं। पहले जाना है तो भाई ये बैग में एक बार बराबर कर लूँ फिर आपको इसको डाल के भी दिखा दूँ। ऐसे खुद ही जा रहे हैं तब भी डाल देते। आओ का इसमें वेंटिलेशन के भी ये है, तीन इधर है तीन ये साइड है, तो हवा मतलब हवा की कमी नहीं है। और देख सकते हो आप कैसा हुआ है। तो मैं एक बार ये बैग पीछे टांग के भी दिखाता हूँ, बाकी वीडियो के लिए अभी किसी को बुला लेता हूँ मैं बनाने के लिए, तो दो मिनटों को फिर मिलते। सो गाइस ये एक नॉर्मल स्कूल बैकपैक की तरह फील हो रहा है और अभी मेरे को कोई वीडियो बनाने के लिए मिला नहीं है तो मैं खुद ट्राइपॉड एडजस्ट करके बना रहा हूँ। तो अभी मैं टर्न अराउंड होकर दिखाता हूँ बैग के अंदर आप लोग को ये कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा लग रहा है ये, और अभी इसको निकाल देता हूँ नहीं तो बहुत दौड़ा दौड़ा के काटता है गाइस कसम से। अगर मेरे पास वीडियो होगी तो मैं वीडियो डाल देता हूँ, नहीं तो फिर मान लो बात। अब आगे मिलते दो में। सो गाइस यही कुछ इसके एसेसरीज थे और बाकी इसको खाना हम लोग मेटाइस का देते हैं जो 1200 का एक पैकेट आता है, 1.5 kg समथिंग रहता है। तो मतलब खर्चे तो बहुत कराता है ये, एक एवरेज का 5000 मंथली मेंटेनेंस है मेंटेनेंस, और अगर अल्लाह ना करे बीमार हो गया तो तब तो और ऊपर चल जाता है। और इसकी मे बी अभी वैक्सीन भी रहेगी सितंबर में, एक ईयरली जो वैक्सीन रहती है इसकी, तो अगर वो भी रहेगी तो उसकी भी वीडियो बनाएंगे। और यहाँ दाढ़ी और बाल मैं कटा लूँगा, अभी बकरीद आने वाली है 3 दिन बाद है, तो जिसके नाम पर कुर्बानी रहती है वो बाल नहीं कटा सकता है, कुछ रहता है चांद चढ़ने से, तो अभी इसलिए बाल मैं नहीं कटा सकता। तो अभी मिलेंगे। क्या हुआ? इसको बाहर जाना है रात के 2 बजे। मैं अभी टाइम भी दिखाता हूँ और बिल्ला भी दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हो इधर बैठा है दरवाजे की तरफ देख के म्याओ कर रहा है, और टाइम हो रहा है 1:45 और रात के। तो गाइस बस ये छोटी सी वीडियो थी और मैं इसलिए बनाया क्योंकि देखना चाहता हूँ आप, मतलब एक ऐसा सडन बूस्ट चैनल पर मिला है तो क्या पता 2-3 वीडियो डालूँ तो और अच्छे सब्सक्राइबर गेन हो जाए, और मतलब ज़्यादा दूर नहीं है मोनेटाइजेशन के, 473 समथिंग सब्सक्राइबर बाकी है
तो वो भी हो जाएंगे। क्या हुआ तो, और वॉच टाइम तो होते ही रहता है, वो तो अच्छा खासा चल ही रहा है। तो जो भी था, अगर इसके बाद एक मतलब सडन अगर बूस्ट फिर से मिला थोड़े सब्सक्राइबर और वॉच टाइम और बढ़ा, तो मे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बस यही थी, एक वीडियो कैट है हम लोग की और कंटेंट नहीं था मेरे पास, तो जो भी है यही है। सो थैंक यू फॉर मेकिंग मे पार्ट ऑफ डेल। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। इसको बाहर जाना है, मेन गेट पे आके बैठा है। क्या हुआ? गाइस अगर इधर तक वीडियो देख चुके हो तो एक बात और बता दूँ, हम लोग थोड़े दिन पहले कैट फेस्टिवल में गए थे, तो कैट फेस्टिवल की कुछ वीडियोस और फोटोज़ के आगे चला देता हूँ मैं, क्योंकि वीडियो लंबी करनी है बस, मोटी भी है। तो अगर देखना है तो देख सकते हो, नहीं तो कट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, तो देख लो बस। सो गाइस अभी अभी पहुँचे हैं और ये मोई की ली छोड़ रही है, तो अभी आगे आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो गाइस पासेस मिल चुके हैं और अभी अंदर जा रहे हैं। पहले तो बहुत भीड़ थी लेकिन अभी तो खा लिया, तो अब अंदर चलते मिलते हैं। और यहाँ पे से आके ऐसे पासेस मिले हैं अगर प्री बुक है तो भी, और अभी पासेस ले चुके बस जा रहे हैं अंदर। और ये रहा मोई, चल एक प्ले जोन टाइप का बना हुआ है कैट्स का, और मेरे अंदर टनल में जैसे आगे जा रहे। मोई आगे जाओ, तुमको मारने जा रहा था वो, मारने जा रहा था तुमको। कोई कोई बात नहीं, 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 होता है, कोई बात नहीं। बिल्लू मोई मोइजो, सो गाइस अभी निकल रहे हैं, 2 बजने आए हैं और बस अभी कैट शो अभी स्टार्ट होने जा रहा था, हम लोग रजिस्टर नहीं किए थे तो हम लोग अभी निकल रहे हैं। तो अभी बस हो गया, तो यहीं तक थी वीडियो जो भी थी, और थैंक यू फॉर मेकिंग मे पार्ट ऑफ डायल। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड एज ऑलवेज। भाई आप देख सकते हो मोई कितना थक गया है।